हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्निग्धा आप सबको स्वागत करती हूँ आपके आपके चैनल स्निग्धा डायरी में। आप सबको आज के इस न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज की ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लास्ट तक वीडियो रखकर देखिएगा। आज की ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है, कहाँ से, क्योंकि आज हम लोग का एनिवर्सरी है एंड आज की ब्लॉग होने वाली है एनिवर्सरी वाला ब्लॉग। आज कुछ खास नहीं हो सकती कि इसलिए कि मेरे बेटे का तबीयत अच्छा नहीं है। अभी हम लोग सोच रहे हैं उसको हॉस्पिटल थोड़ा लेकर जाएंगे, क्योंकि कल रात में उसको बहुत ही ज़्यादा 103-102 फीवर था। अभी थोड़ा हम लोग नाइट में कोई इंडियन डॉक्टर से हम रहे उसको फ़ोन करके हमने मेडिसिन दिए, तो अभी थोड़ा फीवर उसको डाउन हो गया। फिलहाल वो सो रहा है, इन्होंने भी सो रहे हैं उसके साथ, सास ससुर भी सब लोग सो रहे, बट मैं उठ के अपना काम कर रही हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा। फिर मुझे प्रसाद भी बनानी है, मैं किचन में आके नहा के प्रसाद बनाने में लग गई हूँ। उस पर जाके भी रेडी होना है पूजा करने के लिए, क्यों नहीं तो बहुत लेट हो जाती, फिर इनको भी मीटिंग है, इन लोग को वापस जाना है। इसके लिए बस इस तरह से चला है, देखते हैं क्या होता है। बहुत सारी प्लानिंग थी आज, बहुत सारी कुछ करने के लिए, लेकिन फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता। सिंपली मैं नाइट को सोच रही कुछ कटिंग करेंगे, बाकी यार बहुत सब प्लान कैंसिल करना पड़ा। जब उसको ठीक नहीं लग रहा हम उसको काम पर भी लेकर नहीं जा सकते। बस अभी रेडी होकर पूजा करना है, पूजा के बाद जो डे का रहता है मैं आप लोग सब दिखा दूँ। प्लीज आप लोग मेरे साथ जुड़े रहकर कमेंट करके बताइएगा आज का ब्लॉग आपको किस तरह से लगा। बस जो है आज का दिन में मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल प्रसाद चल रही है, दूध भी मेरे बेटे के लिए मैंने गर्म करके रख दिया है, आप लोग देख सकते हो दूध यहाँ पे गर्म हो गया है। एंड हम प्रसाद बनाने की प्रोसेस में चल रहे हैं 5-10 मिनट, फिर मैं जाके रेडी हो जाती हूँ, फिर हम लोग पूजा करेंगे। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से फ्लावर्स है, क्योंकि अभी यहाँ पे गुलाब का बहुत तरह तरह का कलर में फ्लावर्स मिल जाती है ये सीजन में। नॉर्मली इससे पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था, तो मैं हम लोग यहाँ से पास में एक जगह है एयरपोर्ट है उसके पास से हम लोग जाके लेकर आए थे एक दिन पहले, तो बहुत ही अच्छा लगता मुझे सब भगवान को फ्लावर्स देके, बिना फ्लावर्स को पूजा करना अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ पे ऐसा शुरू कर रही हूँ, इन्होंने अभी मेरे पास भी आके है, हम दोनों मिल के साथ में ही पूजा करते हैं भगवान को। कोई भी अच्छे दिन में हो गया तो हम लोग उस हिसाब से हम दोनों ना हमारे बच्चे हम तीनों पूजा करते हैं। इस पर हमारी एनिवर्सरी में हम लोग के साथ में मम्मी पापा भी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिना फैमिली का कोई भी फंक्शन आपको एंजॉय करने को दिल नहीं करता। जब फैमिली साथ में हो तो आपको अच्छे दिन भी बहुत ही और ज़्यादा अच्छा एंड खुश लगता है, क्योंकि जबकि मम्मी पापा साथ में रहते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गुलाब का साइज़ देखिए कितना बड़ा बड़ा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह का गुलाब। एंड आप लोग देखिए आज के दिन बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा बेटा की तबीयत की खराब की वजह से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हम लोग को। फिर भी क्या करें, ये भी एक लाइफ का एक स्टेज है, ऐसा चलते रहता है। तो भी कुछ भी नहीं किया हम लोग ज़्यादा अरेंजमेंट, बहुत सारी चीज़ें मैं जैसे कि आप लोग को बताई हम लोग कैंसिल करें। एंड अभी हम लोग इसके बाद पूजा करने के बाद हॉस्पिटल भी जाना है हम लोग को। बस कुछ नहीं, अभी हम लोग चाय पीने के बैठ गए। चाय पीने के बाद हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल, मेरे हस्बैंड जूस पी रहे और मेरे बेटे को बनाना मेरी सास ने दिए चाय पीने के बाद, क्योंकि हम हॉस्पिटल जाना है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। इंडिया गुजिया था, इंडिया यूएसए अमेरिका
अमेरिका ऑफिस गया है। अमेरिका में गुजरात ऑफिस गया अभी हम लोग सब स्टार्ट कर रहे हैं डेकोरेशन। ज़्यादा बहुत तो कुछ नहीं है, जो सब चीज़ें हम लोग बेलून्स वगैरह यहाँ से लाए थे, एक पॉम्प लाए थे, एंड एनिवर्सरी का जो है उसको भी हम लोग लाए थे गोल्डन कलर में, तो उसको ही हम लोग थोड़ा सा ही लगा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें लाए थे लेकिन हमको उतना नहीं कर सकते क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा बेटे की वजह से। हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं इसलिए कि हमारे पास में वो देखो खड़ा है, बात कर रहा है, उसको भी थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि नाइट इंटर नाइट वो बिल्कुल भी नहीं सोया, ना हम लोग कोई भी सोया है, इसीलिए आप देख सकते हो वो कितना कमज़ोर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है वो, मतलब हमको उसको देखा नहीं जा रहा, रो रहा था। अभी जैसे कि 5:30 हो रहा है तो हम लोग डेकोरेशन स्टार्ट किए, एंड ये जो बैनर है हम लोग यहीं पर ही बनाए थे, एंड उसको तो हम रात में ही लगा दिए थे, मतलब रात में तो कल हम 4-5 बजे लगा दिए, जब से उन्होंने लाए तो हम उस टाइम उसको लगा दिए थे। तो अभी थोड़ा बहुत बैलून्स बस ही लगाए गए, एंड कुछ रोज़ फ्लावर्स ज़्यादा लाए थे, बट उसमें ही जितना डेकोरेशन होगा उतना करेंगे, एंड हैप्पी एनिवर्सरी का जो बैनर है उसको भी लगाएंगे, बस और कुछ नहीं। आप लोग देख सकते यहाँ की जो बैलून्स है आप लोग देखेंगे उसका क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कम से कम 30-40 बैलून्स लगाए तो उसमें से फटाफट 10 बैलून भी ख़राब हो गया, फट गया है। लेकिन जो इंडिया का बैलून्स मैंने लेकर आई थी किट 100 बैलून्स, उसमें से वो जो बैलून्स है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, एंड आप देख सकते हो ये वाला जो बैलून्स है इंडियन है, एंड जिसमें आई लव यू लिखा होता है ना वो वाला बैलून्स, वो तो हम लोकल से लाए थे, एंड इतना ख़राब बैलून्स है मैं क्या बताऊँ, बहुत जल्दी स्मूथ हो जाता है एंड फट भी जाता है, एंड आप लोग देख सकते हो हम एक एक इसमें बहुत जल्दी जल्दी हमको हो जाएगी। उसके बाद और थोड़ा बहुत टीवी के पास भी लगा देंगे बैलून्स, फिर बेडरूम में कुछ ना कुछ रोज़ फ्लावर्स में लगाऊंगे, तो उसके बाद हम जाके रेडी हो जाएंगे क्योंकि हम किसी को भी नहीं बुलाए, बहुत लोगों को बुलाने के लिए प्लानिंग किए थे, बस यहाँ पे एक भाई भाभी है उनको ही बुलाएं, बाकी और किसी को बुलाए नहीं क्योंकि हम लोग प्लानिंग किए सबके डिनर के लिए, लास्ट टाइम हम बहुत अच्छे से बनाए थे, बहुत सारी फैमिलीज को यहाँ पर बुलाए थे, लेकिन इस बार बेटे की तबीयत जो ख़राब है उसके लिए कुछ दिल भी नहीं कर रहा हम लोग को करने के लिए। लास्ट टाइम यहाँ पे एक भाभी थी हेमा भाभी, हम उनको बहुत मिस कर रहे क्योंकि हम लोग सब लास्ट टाइम मिलकर बहुत ही अच्छा एंजॉय किए थे। आप लोग देख सकते हो मेरे बेटा कितना खुश हो रहा है बलून्स को देखकर। Thank you.
जितने भी फॉइल का हार्ट शेप है वो सब मैंने इंडिया से लेकर आई थी, जिसको मेरे हस्बैंड ने पहले लगवाया एंड राइट साइड में रेड कलर का भी लगवाए थे, लेकिन वो तो गिर गया है, हम उसको फिर से लगवा देंगे। बाकी मैं फॉइल का जो कॉटन से उसको निकाल रहे हो हम उसको लगेंगे, क्योंकि कॉटन में तो ज़्यादा अच्छा लुक आती है, बहुत सिंपली है, कुछ आपको करना नहीं। एंड उसको मैं मेसो से ही ऑर्डर करके लाई थी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे एंड बजट में बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड ने पहले एक स्ट्रिप लगाया एंड दूसरा स्ट्रिप है, आप दो को ज्वाइन करके लगा सकते हो, दोनों में अच्छा लुक आता है, क्योंकि उसके ऊपर आपको हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी आप उसका जो स्टिकर लगाओगे फॉइल में हैंगिंग में तो थोड़ा ज़्यादा होने से उसका वेट बहुत ही अच्छा दिखता है। आप देख सकते हो किस तरह से मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा पैकिंग में मुझे रिसीव हुई थी, आप लोग देखिएगा। एंड इसमें जो आपको कलर मिल जाएगी, जैसे कि हमारा हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी जो हमने लाई थी, मैंने एनिवर्सरी का वो ब्लैक है एंड हैप्पी बर्थडे का लाई हूँ वो रेड कलर में है, वो आपको येलो में एंड कॉटन्स भी आपको गोल्डन में ब्लैक में मिलती है। एंड मुझे तो एक गोल्डन कलर बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग को चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हो। बस कुछ इस तरह से हमारी डेकोरेशन कंप्लीट होने जा रही है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर भी 3-8 से मैंने फॉइल बैलून्स रखवा दिया एंड यहाँ कुछ रोजेस में मैंने डेकोरेशन की हूँ एंड कुछ बेड के ऊपर मैं 4-5 रोजेस लगा दी हूँ। यहाँ की रोजेस देख सकते हो बहुत बड़ा बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया एंड व्हाइट कलर में तो और बहुत ही बड़ा एंड पेटल भी बहुत ठीक रहता है, आप देख सकते हो इसका पेटल बहुत ही बड़ा बड़ा रहता है एंड बहुत ठीक भी रहता है एंड 4-5 दिन तो कुछ खराब ही नहीं होता। हम उसको बेड में भी लगाए इस तरह से एंड यहाँ पे एंड हॉल में भी कुछ इस तरह से मैं डेकोरेशन की हूँ, आप देख सकते हो। एंड बैलून्स को मैंने ऐसे चिपका दिया क्योंकि और ज़्यादा कुछ करने को टाइम नहीं है। एंड बाकी का जो पंखुड़ी था हम उसको ऐसा टेबल के ऊपर लगा दिया क्योंकि यहीं पर हम लोग केक कटिंग होगी। मेरे हस्बैंड को आप देख सकते हो कितना कोऑपरेटिव, बहुत सब कुछ रात भर सोए नहीं फिर भी ऑफिस के ऑफिस से आकर के बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब हर तरह की चीज़ें में सपोर्ट करते हैं, पहली बात है आपको लाइफ में प्यार सपोर्ट वो सारी चीज़ें रहे ना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब एक इंसान ऐसा रहना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, इतना चीज़ें होने की बात नहीं भी कोई बात नहीं, हम जितना कर सकते उतना करेंगे, वो जो रहता है ना आप करो कुछ मैं आपके साथ में हूँ, वो सब बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे तो टीवी में देख सकते चल रहा है ना हमारी फ़ोटोशूट का जो हम लोग 2 दिन पहले करवाए थे जाकर, एंड ये पास में एयरपोर्ट के पास में बहुत ही अच्छा प्लेस है, आप जाके वहीं पर हम करवाए थे। एंड नेचर के साथ तो फोटो खींचना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एंड मैं हर कोई मोमेंट को कैप्चर करना बहुत चाहता हूँ, मुझे फ़ोटो खींचने की बहुत ही शौक है। इन्हों हमेशा बोलते हैं, मुझे लगता है कि आजकल कोई मुझे हायर करना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा फ़ोटो खींचने की शौक़ होगी। एंड आप सोचेंगे नहीं हमारे 2010 से रिश्ते को आज को 2022 हो रहा है एंड हम दोनों के बीच में कोई बदलाव नहीं आया है, जैसे दोस्त है आज भी उस तरह सेम दोस्त की तरह है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड केक इन्होंने लेकर आए थे, जैसे कि हमको इस तरह से केक पसंद है उन्होंने इस तरह से केक ही लाए थे। एंड ये भैया भाभी है जिनको हमने इन्वाइट किए थे एंड हर तरह की चीज़ें पे भाभी हमारे साथ में रहते हैं एंड ये उनकी बेटी तो पूरा मेरी बेटी जैसी, हम उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मेरी बेटे के साथ बहुत खेलता है। बस इस तरह से हमारा कुछ सेलिब्रेशन हुआ हुआ है। इन पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी ससुर है, मेरी सास भी है। Thank you.
पूरा फैमिली फोटोग्राफी हो गया। पूरा फैमिली फोटोग्राफी होने के बाद हम लोग हेयर कटिंग करेंगे। एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि हमारी शादी को 4 साल हो गए। मुझे अभी भी यही लगता है कि कल तो हमारी शादी हुई थी। हम उनको यही चीज़ बोलते हैं कि हमारे बेटे को 3 साल होने को जा रहा, शादी को 4 साल हो गए, बिलीव नहीं हो रहा उतना। मतलब जब दोनों के बीच में उस तरह से प्यार होगी ना, आपको टाइम मालूम नहीं पड़ता है। एंड मुझे वक्त ही कभी पता नहीं चला। एंड इतना कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव हस्बैंड भगवान करे सबको मिले। एंड एक पति के अंदर में मैं हमेशा मेरी दोस्त देखता हूँ। एंड हम दोनों उतना अच्छा दोस्त आज भी है जितना कल थे। ज़्यादा मायने रखता है वो कितना ख्याल रखते हैं, कितना प्यार करते हैं एंड किस तरह से आपकी साथ देते हैं। इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब 4 साल मुझे ऐसा लगता है कि अरे कल तो शादी हुई थी हमारी, 4 साल हो गए, इस तरह से फील होती है हमेशा हमको। एंड लाइफ बहुत ही अच्छा है, अच्छी पार्टनर के साथ में लाइफ बहुत ही अच्छा मतलब इतना अच्छा करता है कि पूछिए मत। एंड आज जैसे कि हमारी फैमिली है, पहली एनिवर्सरी में फैमिली के साथ था, एंड आज 4th एनिवर्सरी फैमिली के साथ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। हम इस तरह से बात सिंपली वे में घर में सेलिब्रेशन किया। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। चलिए मिलते हैं कभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बस सब खुश रहिए, मस्त रहिए आपकी लाइफ में, भगवान करे आप सबको बहुत खुश रखे। आप लोग देखिए मेरी सासू माँ है यहाँ पर, बहुत ही खुश रहते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद हमको 3 महीना कैसे कट गया मालूम नहीं पड़ा, ऐसे कि नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे बेटे तो बहुत ही मिस करेगा, हम लोग बहुत मिस करेंगे उनको, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो खुशी है मेरे बेटे को ना कहीं नहीं मिलता। बहुत ही अच्छा लगता था उन लोग से, मतलब घर में मतलब घर पूरा फूल लगता था। अभी घर खाली खाली हो जाएगी हम लोग की। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिस यू ऑल।